हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आइए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। अभी सुबह का ही समय है, 10:15 बजे हैं और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें प्याज, हरी मिर्च, आलू और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, मिर्ची और नमक वगैरह डालकर मैंने पिट्ठी बना ली है। और फटाफट से मैं नाश्ता बना रही हूँ। अभी जो है नाश्ता करने के बाद जो है फिर और जो है रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। तो देखिए, अभी इवनिंग का समय हो रहा है और मैं इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ हर रोज़। तो उससे पहले जो है मैं अपनी सब्जी वगैरह का काम जो है आधा करके जाती हूँ, ताकि मुझे आकर फटाफट से सब्ज़ी बना लूँ मैं और मुझे टाइम ना लगे और देर ना हो। ये देखिए, मैंने करेलों को काट लिया था, मैंने दोपहर को ही काट लिए थे। और इसमें मैंने नमक डालकर इसको अच्छे से मैं अब रख के जाऊँगी, क्योंकि आधा पौना घंटा मुझे लग जाता है इवनिंग वॉक के लिए। तो आकर जो है मैं करेले बनाऊँगी, तो उसकी जो है रेसिपी आपके साथ फिर शेयर करूँगी। देखिए, शाम के समय छत पर कितनी अच्छी हवा चल रही है। आज बहुत टाइम के बाद बारिश हुई है ना, तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और प्लांट्स ये भी खिलखिला रहे हैं। और मैं घूम कर आ गई हूँ, मैं शाम को ही जाती हूँ घूमने। और देखिए, करेले में फूल भी आ गया है। पता नहीं इसमें करेला आता है या नहीं। अभी मुझे आपको लगेगा कि थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं चल के आती हूँ ना। ये देखिए, शहरी भी पीछे पीछे आ गया मेरे। और देखिए, पानी भर कर रखा हुआ हमने पक्षियों के लिए। आप भी दोस्तों ज़रूर अपनी छत पर पानी भर कर रखें और थोड़ा बहुत दाना भी रखें, क्योंकि पक्षी बेचारे, उनके लिए तो हम लोग ही हैं। तो हम लोगों को जो है अपनी छतों पर पानी भर के रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा दाना वगैरह भी रखना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है इस समय। यहाँ पर बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई, सुबह की हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पर मौसम जो है बिल्कुल सही हो गया है। गर्मी नहीं लग रही है इस समय बिल्कुल भी। और शहरी को देखिए, शहरी मैंने आके करेलों को धो दिया था। बस आपके साथ उसकी रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, बिल्कुल सिंपल रेसिपी आपको पता ही है। और देखिए, पुदीना भी अच्छा हो रहा है, बहुत दिनों के बाद छत पर चढ़ी हूँ। ये देखिए शहरी महाराज, जैसे ही कोई छत पे आता है और शहरी जो है छत पर पीछे पीछे आ जाता है। अब ये देखिए, साथ वालों ने इनका मकान बन गया ना, ऐसे दीवार बना दी। पहले हमारा इधर से ओपन था सारा, तो उस तरफ दीवार की पिछली तरफ का सारा व्यू जो है बहुत अच्छा नज़र आता था। अब दीवार हो गई है इधर। और देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ शहरी वहीं वहीं चल रहा है। शहरी शहरी शू, ये देखिए अब इसने खेलना शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं। मैं थोड़ी सी हवा खाने आई थी ऊपर, क्योंकि मुझे पसीने आ जाते हैं भाग भाग के, पैदल चल चल के। तो चलिए नीचे चलते हैं। और डिनर की तैयारी आधी तो मैंने कर ली है, बस सब्ज़ी बनानी है और आटा थोड़ा सा गूंदूंगी। कल जब बच्चों ने स्कूल भी जाना, तो उनकी भी तैयारी करानी है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। अभी मैं आपको पपीते का एक जो मैंने लगाया था ना प्लांट, वो भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए, पपीते का प्लांट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए, करेले मैंने धोकर छान लिए हैं और प्याज भी छिल कर रख लिए हैं। इन्हें कद्दूकस करूँगी मोटा मोटा, और करेलों को पहले तेल में फ्राई कर लूँगी और फिर जो है प्याजों को भूनकर करेलों को इसमें ऐड करके बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए, अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ पहले। देखिए, मैं शांति भगवती कर रही हूँ पूजा पाठ, तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
देखिए पूजा भी हो गई, कान्हा जी बैठे हुए हैं, अभी ने भोग लगाकर मैं सुला देती हूँ तुरंत ही, और फिर हम इन्हें भी अपने रूम में ही ले जाते हैं। इनकी एक मच्छरदानी है वहीं पर पड़ी हुई है, ये देखिए ये री, इसमें बिठा के हम इन्हें अपने रूम में ही सुला लेते हैं। और ये देखिए गुरुजी, ये गुरुजी का स्वरूप एक और मिला था तो मैंने फ्रेम करा लिया था। देखिए कितनी अच्छी विनती लिखी हुई है। ये देखिए करेले फ्राई हो गए हैं, और इसी तरीके से फ्राई करने हैं, ज़्यादा फ्राई। जो ये फ्राई वाले करेले हैं मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अब इनको मैं अलग से निकाल लूँगी। गैस को सिम कर दिया है मैंने, और अलग से इनको प्लेट में निकाल लूँगी, और जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उसमें मैं प्याजों को फ्राई कर लूँगी, और प्याज जब फ्राई हो जाएंगे टमाटरों को भी उसी में डालकर फ्राई कर लूँगी। और जो ये करेले मैंने फ्राई किए हैं उसमें नमक मिर्च और जो भी मसाले डालने हैं उसमें ऐड करके इन करेलों को भी ऐड करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी करेलों की, मुझे पता आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। करेले तो कई लोग कई तरीके से बनाते हैं। और ये देखिए अब मैंने निकाल लिया एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के, मैंने जितने भी प्याज कद्दूकस किए हैं मैं सब इसमें मिक्स करके फ्राई करके और अपने करेलों को मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था करेलों का मसाला मैं अक्सर जो है ताज़ा ही पीसती हूँ, सौंफ, धनिया, थोड़ी सी मेथी दाना, इसको अच्छे से मिक्स करके दरदरा ही पीसती हूँ, और इसको भी मैं करेलों में ऐड कर दूँगी। देखिए हमारी टमाटर प्याज की ग्रेवी जो है बिल्कुल बनकर ही भुनकर बिल्कुल रेडी है, और इसमें मैं मलाई को ऐड कर दूँगी तो इससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा करेलों में, बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं लगेंगे, और अच्छे से रिच ग्रेवी वाले हमारे करेले जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसमें मलाई जो है थोड़ी सी डालूंगी मैं, आधी कटोरी, इससे ना इसमें फ्लेवर भी आ जाता है थोड़ा सा, एकदम से क्रीमी क्रीमी से करेले बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं बनते बिल्कुल भी। देखिए इस तरीके से मैं मलाई को भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके अभी 2-3 मिनट इसे चलाऊँगी, थोड़ा सा मलाई इसमें मिक्स हो जाएगी ना, और इसमें मैंने नमक हल्दी अभी कुछ भी नहीं डाला है, ये सिर्फ आपको प्याज जो है ब्राउन हुए हैं उसी का कलर दिख रहा है, और टमाटर भी डाल दिए मैंने इसमें पहले ही, क्योंकि हम बाद में टमाटर डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। टमाटरों को पहले मैंने अच्छे से पका लिया, मलाई को बाद में ऐड किया है इसमें। देखिए अभी मैं मलाई को अच्छे से भून के इसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से 5 मिनट के लिए और भूनूंगी, और इसमें करेले ऐड कर दूंगी। तो चलिए मैं अभी आपको करेले जो है पूरे बना करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रिच ग्रेवी वाले करेले बनकर बिल्कुल तैयार है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में भी दोस्तों आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं ये वाले करेले। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और देखिए जब तक करेले बन रहे थे तब तक मैंने अपना आटा भी गूंद लिया और सब्ज़ी बन गई है, बस अभी मैं थोड़ा सा इसके साथ दही को तड़क लूँगी। दही को तड़का तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है, जीरा हींग डालकर और सूखे मसाले डालकर, हल्दी, नमक और मिर्च। तो मैं पैन को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब वो ठंडा हो जाता है मसाला तब उसमें मैं दही को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर गर्म पैन में दही ऐड करो ना तो दही फट जाता है। तो बस इस करेलों के साथ हम तड़का हुआ दही को अपने डिनर में आज खाएँगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग जो आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलती हूँ फिर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय।